वालेकुम, मैं जबीन एके डीजे, वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है शकरपारे और पाकिस्तानी डोनट बाइट्स। इंटरेस्टिंग, हाँ। चलें तो हम आपको बताते हैं कि ये क्रिस्पी डोनट बाइट और शकरपारे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शकरपारों का आटा गूंधेंगे और फिर उसके बाद इसको रेस्ट करने देंगे और फिर उसके बाद प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है, मैदा भी जिसे कहते हैं, और इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर जो कि है 3/4 कप। ये हमारा शुगर गया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी 3 टेबलस्पून। सूजी गई, अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून ही कोकोनट पाउडर। ये बहुत बारीक सा पाउडर नहीं है, इट्स लाइक दरदरा सा है। तो ये गया, और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा मत। और अब हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे, और उससे पहले हम अपनी अंगूठी उतारेंगे। और ये 3/4 कप यानी 1 कप से कम हमारा मेल्टेड बटर जा रहा है। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन तेल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम मिलाएंगे अपना 3/4 कप मेल्टेड बटर अनसॉल्टेड। ये गया जनाब, इनको सबको मिक्स करेंगे। और आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कैसा लगेगा जब, अभी हमने वाटर ऐड नहीं किया है, लेकिन हमारा आटा और ऑल पर्पज़ फ्लावर को कैसा लगना चाहिए। ये देखिए, मोटे मोटे से इसके क्रम्स बने हुए हैं ना, ये देखिए, इट्स गुड। अब हम इसको मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसमें 3/4 कप ऑफ वाटर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कप वाटर लिया है। और मैं आपको जब मिक्स कर रही होंगी फिर मैं बताऊँगी कि मैंने कितना वाटर यूज़ किया है। ये ऐसी एडिक्टिंग चीज़ है कि हमारे बच्चे और हमारे घर वाले अभी बना के रखो नहीं कि सफाया हो जाता है उसका। इट्स सो डिलिशियस एंड मज़ेदार एंड डिलिशियस, सेम थिंग ऑफ कोर्स। तो अब ये देखें, अब इसमें डालते हैं वाटर। थोड़ा थोड़ा करके ही वाटर डालिएगा, क्योंकि यू कैन नॉट टेक इट बैक बट यू कैन ऑलवेज ऐड मोर। और आटे को बहुत हमने सख्त नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सा नरम साइड पे ही रहने देना है। और वैसे भी जब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो नरम हो जाता है। तो देखें जनाब, अभी हमने अब तक सो फार यूज़ किया है 1/2 कप। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, और ये कंबाइन लग रहा है मुझे अच्छे से, बिल्कुल 1 ड्रॉप और सो। देखिए हमारा आटा गूंद गया, और मेरे हाथ अभी तक मैंने धोए नहीं, बट दे आर सो क्लीन। कोई आटा आपको इधर उधर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो हमने बटर डाला है उसकी वजह से हाथ हमारे क्लीन है। अब हम इसको रखेंगे 1/2 आवर के लिए रैप करके रूम टेम्परेचर पे। और जब हम इसको रैप करेंगे तो हम ऐस अंदर ले जाएंगे, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई ड्राइनेस ना आए और फिल्म ना बने। तो मिलते हैं 1/2 आवर में और बताते हैं आपको अपनी डो की कंडीशन। तो हमारा डो रेस्ट कर रहा था फॉर 30 मिनट्स, और अब हम इसको देखते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि
जो हमने शुगर डाली है वो जब मेल्ट होती है तो उसका भी अपना मॉइस्चर निकलता है, जिसकी वजह से डो जो है वो और स्मूथ हो जाती है। और ये अब तैयार है रोलिंग के लिए, तो चलें चलते हैं। तो अब हमारे डो को रोल करने का टाइम आया, थोड़ी सी देर और हम इसको नीड कर सकते हैं। ये देखें, हम अपने डो को अपने वेरी क्लीन सरफेस पे रोल कर रहा हूँ इसको ज़रा सा, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे हाफ में। Here we go. इस डो को हम कवर करके रखते हैं जब तक हम अपने शक्करपारे बनाते हैं इस डो से। इतनी अच्छी सी डो गूंदी है, इतनी स्मूथ, इतनी चिकनी चिकनी सी। आहा, हमारा जितनी देर में हम इसके पीसेस करेंगे, मैंने अपना चूल्हा दूसरा वाला ऑन किया है और उसके ऊपर अपना पैन रखा है विद ऑयल, ताकि वो भी साथ साथ हीट अप होना शुरू हो जाए। अभी लो पर है, मैं उसकी थोड़ी सी आंच बढ़ाऊंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्राइंग। ये हो गया थोड़ा सा मीडियम पे, मीडियम लो, यप, ओके। सो देखें, हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये लाइक क्वार्टर इंच थिक है। और अब हम इसके पीसेस बनाएंगे दिस वे, और अब हम इसके स्क्वायर पीसेस बनाएंगे। ओके, आई वांट टू शो यू नाइसली, हियर वी गो। और जो कॉर्नर के पीसेस हैं, डोंट इवन बॉदर कि वो स्क्वायर नहीं है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू नोटिस। तो जब मैं अपने डो को रोल कर रही थी और उसके छोटे छोटे से पीसेस बना रही थी, उस दौरान मैंने अपने पैन को बताया था आपको कि मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे विद ऑयल, और ये मीडियम लो हीट पर है। और जस्ट टू ट्राई टू सी, हमें बहुत ऑयल को हॉट नहीं करना है। ये देखें, ये परफेक्ट है। और जब इसमें और दूसरे पारे भी जाएंगे तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा और लो जाएगा। बी केयरफुल विद द हॉट ऑयल, सो दैट्स द रीज़न मैं जो हूँ ये स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। हल्के से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, और मैं थोड़ा सा आंच लो कर रही हूँ ताकि ये एकदम से ब्राउन ना हो जाए। अभी इसमें थोड़ी सी और जगह है, थोड़े और जा सकते हैं हमारे ये। हमने इसको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत हल्की आंच पे भी नहीं करना, क्योंकि ऑयल उसके अंदर चला जाएगा। तो हमें ऐसे रखना है जैसे ये सिचुएशन है इसकी राइट नाउ, कि विग्रस बबल्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल हीट अप नहीं हुआ है। और हमने बहुत टेम्पटिंग होता है, मुझे पता है कि देखें कैसी शक्ल लग रही है इसकी और कैसा फ्राई हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना है, डो को तोड़ना नहीं है। फ्राई जब हो रहा है तो उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि टूट सकता है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो ये देखें, टोटल 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको। और ये देखें, हमने इसकी ऐसी ही शक्ल रखनी है, इसको बहुत ब्राउन नहीं करना है। इसको अब हम अपने पेपर टॉवल पे स्प्रेड करेंगे। तो जब तक हमारे वो रेडी हो रहा है, ठंडा हो रहा है एक्चुअली,
हम यहाँ पे बनाते हैं अपना ग्लेज, और यहाँ ये है 1 कप ऑफ शुगर, इसमें गया 1/2 कप ऑफ वाटर, 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। खुशबू खुशबू वाला बनाएंगे, ज़बरदस्त। और इसको हमने करना है शुगर को मेल्ट, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जैसे एक तार सा बनना चाहिए। ये देखें हमारा जो ग्लेज है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये कैसे पता चलता है कि जब एक तो बिग बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, बिग बबल्स आएंगे, और दूसरा ये कि जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये एक तार सा बनेगा। अभी इट्स नॉट राइट देयर, सो लाइक इन 1 मिनट इट विल रीच दैट पॉइंट। तो हमारे 1 मिनट के बाद ये देखें हमारा सिरप गाढ़ा हो गया है और रेजिस्ट कर रहा है नीचे जाने में। ये देखें, हियर वी गो, सी यू कैन सी दैट, ओके ये। और अब इसको हम करेंगे बंद, और इसमें ऐड करेंगे अपना 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट पाउडर। हियर वी गो, मिक्स किया, और अब हम अपने इस सिरप को, इट शुड स्टिल बी हॉट, अपने जो हमारे शक्करपारे रेडी हैं उनके ऊपर ड्रिजल करेंगे और उनको कोट करेंगे। तो चलें अपने शक्करपारों की तरफ चलते हैं। तो हमारे शक्करपारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही गुड है, बहुत मज़े के, यू कैन ईट इट लाइक दिस और ड्रिजल दिस सिरप ओवर द टॉप। देयर वी गो, और अब हम इसको स्लोली स्लोली कोट करेंगे। ये देखें जनाब हमारे शक्करपारे कितने शाइनी से हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल ग्लेज्ड। मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है इनको, तो खा के क्या मज़ा आएगा। तो चलें अब इनको अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। मुझे पता है कैसा टेस्ट है इसका आपके लिए। ये देखें हमारे शक्करपारे रेडी हैं, और मैंने आपको 2 बातें बतानी थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि मैंने बटर यूज़ किया था 3/4 कप। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या घी यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके अमाउंट को थोड़ा सा कम करना होगा, लाइक 1 टेबलस्पून, इसलिए कि बटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो प्योर नहीं होता, ऑयल प्योर फैट नहीं होता, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन हमारा ऑयल और घी प्योर होता है फैट, तो उसके लिए आप 1 टेबलस्पून कम कर दीजिएगा। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि जब हम सिरप पोर करते हैं तो हल्के हाथों से इसको कंटिन्यूसली हमें मिक्स करते रहना है अंटिल ऑल द सिरप इज़ गॉन फ्रॉम द बॉटम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि सारे टुगेदर हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग पीसेस नहीं रहेंगे। तो ये बात जहन में रखिए और मज़े से बनाइए और इन्जॉय कीजिए ऐसा स्नैक जो घर में बने लेकिन बाज़ार से बहुत बेहतर हो। तो चलें अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारे शक्करपारे कैसे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्रिस्पी इंडीड, लेकिन सख्त नहीं है, सॉफ्ट है, मुंह में जैसे घुल जाते हैं, परफेक्ट मीठा है, डो के अंदर कम, ऊपर से ग्लेज जो कि बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा कोकोनट की खुशबू, इलायची, आहा, तो ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है आई नो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर डिंग करें।
और जैसा कि मैं कहती हूँ कि आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं, प्यार और तवज्जो से आती है, तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।